पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का शनिवार यानी 2 जनवरी को निधन हो गया। 86 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। उन्हें अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि उनकी पहचान पंजाब के बड़े दलित नेता के तौर पर रही है। बूटा सिंह कांग्रेस की कई सरकारों का हिस्सा रहे। उन्हें राजीव गांधी का बहुत करीबी माना जाता था। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। बूटा सिंह राजस्थान में कांग्रेस सांसद भी रहे हैं। उन्होंने केंद्र में अलग अलग सरकार के दौरान गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला है। बूटा सिंह 8 बार लोकसभा सांसद के रूप में चुने भी गए थे। बूटा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि बूटा सिंह जी एक अनुभवी प्रशासक थे। गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने मजबूती से आवाज उठाई। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इस मुश्किल समय में उनके परिजनों को मेरी संवेदनाएं। आपको बता दें कि बूटा सिंह का जन्म 21 मार्च 1934 में पंजाब के जालंधर के मुस्तफापुर गांव में हुआ था। बूटा सिंह के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।